वेलकम टू यू ऑल इन एम ए थर्ड सेमेस्टर आज हम लोग कोई भी टॉपिक से शुरू कर सकते थे लेकिन हम एक बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक और बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक से आपकी शुरुआत कर रहे हैं पढ़ाई की जो कि है ब्लूम्स टेक्सटोनॉमी ठीक है हम लोग पढ़ रहे हैं कौन सा पेपर मेजरमेंट एंड एवेलुएशन ओके तो मेज़रमेंट एंड एवेलुशन में वैसे तो शुरू करना चाहिए व्हाट इज़ डिफरेंस बिटवीन मेजरमेंट एंड एवेलुएशन यानी कि मापन और मूल्यांकन में क्या अंतर है लेकिन उन्होंने कहा कि एक ऐसा टॉपिक लें जो कि आपको जिसमें मज़ा आए रुचि आए और जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है इसके ज़रूर से इससे एक क्वेश्चन आएगा आपका लॉन्ग आना चाहिए आता ही है फर्स्ट यूनिट से और इसके अलावा कहीं भी आप नेट स्लेट सेट <coughs> सी टेट कोई भी एग्जाम देंगे उसके लिए भी ब्लूम्स एक्सोनॉमी बहुत ज़रूरी है ठीक है तो हम शुरू करते हैं ब्लूम्स टेक्सोनॉमी से ब्लूम्स टेक्सोनॉमी का यानी कि आप हिंदी में पढ़ेंगे तो इसको ब्लूम की वर्गीकी पढ़ेंगे ठीक है तो ब्लूम टेक्सोनॉमी या ब्लूम्स ब्लूम्स का मतलब ब्लूम की वर्गीकी हाँ कि इसका मतलब क्या है कब दी गई कैसे है थोड़ा सा आपको ध्यान देना पड़ेगा और याद भी करना पड़ेगा तभी याद होंगे इनके क्रम इनमें जितने भी क्लासिफिकेशन है क्योंकि वो वर्गीकी के फॉर्म में यानी कि हम उसमें चेंज नहीं कर सकते वो जैसा है हमें वैसे ही लिखना समझना है तो शुरू करते हैं ब्लूम्स टेक्सोनॉमी से ब्लूम्स ट्रक्सोनॉमी इज ए क्लासिफिकेशन सिस्टम यूज टू डिफाइन एंड डिस्टिंग्विश डिफरेंट लेवल्स ऑफ ह्यूमन कॉग्निशन यानी कि जो ब्लूम की वर्गीकी है वो एक वर्गीकरण सिस्टम निकाय है किसका जिस जो हमें बताता है समझाता है परिभाषित करता है और अलग करता है डिस्टिंग्विश करता है डिफरेंट लेवल्स ऑफ ह्यूमन कॉग्निशन यानी कि मनुष्य के संज्ञान के जो डिफरेंट लेवल हैं विभिन्न स्तर हैं उनके बीच में हमें विभेदीकरण करना सिखाता है कौन से स्तर हैं वो थिंकिंग लर्निंग एंड अंडरस्टैंडिंग यानी कि सोचना समझना और सीखना यानी सोचना सीखना और समझना ये तीन में कैसे अंतर होगा ये हमको ब्लूम्स टनॉमी की सहायता से समझ में आएगा और एजुकेटर्स हैव टिपिकली यूज्ड ब्लूम्स टेक्सोनॉमी टू इन्फॉर्म और गाइड दी डेवलपमेंट ऑफ असेसमेंट्स करिकुलम एंड इंस्ट्रक्शनल मेथड्स यानी कि तीन प्रकार के जो हमारे शिक्षकों के शिक्षाविदों के काम हैं उनमें ये मदद करती है पहला कि इसमें असेसमेंट यानी आकलन करने में हम पढ़ पहले भी पढ़ चुके हैं पिछले सेमेस्टर में क्या पढ़ चुके हैं कि असेसमेंट दो तरीके सॉरी इवेलुएशन दो तरीके का है कौन सा कौन सा फॉर्मेटिव और समेटिव है ना तो दोनों में ब्लूम्स एक्सोनॉमी कैसे यूज होगी करिकुलम यानी कि जब पाठ्य का निर्माण होता है उसमें भी कि यूनिट होगी लेसन होगा प्रोजेक्ट होगा कौन सी एक्टिविटीज़ होगी हम घटते से कठिन से सरल की ओर जाएंगे सरल से कठिन की ओर जाएंगे सब कुछ और इंस्ट्रक्शनल मेथड्स यानी कि, कि किस तरीके से आपको पढ़ाया जाएगा कौन सी क्वेश्चनिंग स्ट्रैटेजीज यानी कि कब कैसे सवाल आपसे पूछे जाएंगे इन सब चीज़ों में हमको गाइड करती है कौन ब्लूम्स एक्सोनॉमी ठीक है अच्छा ओरिजिनल टेक्सोनॉमी देखिए ओरिजिनल टेक्सोमॉमी की जब बात की जा रही है इसका मतलब कि अब ये अपने ओरिजिनल फॉर्म में नहीं है तभी तो ओरिजिनल टेक्सोनॉमी की बात कर रहे हैं कि अगर एक ही होती और अभी तक वही चली आ रही होती तो हम पढ़ते हैं ब्लूम्स टेक्सोनॉमी लेकिन हम इसमें पढ़ रहे हैं ओरिजिनल यानी कि अब ये रिवाइज हो चुकी है बदल चुकी है तो जो ओरिजिनल टेक्सोनॉमी वो आई है उन्नीस uh, में देखिए इसमें लिखा हुआ है ब्लूम्स टेक्सोनॉमी वॉज ओरिजिनली पब्लिश इन नाइनटीन फिफ्टी सिक्स बाई ए टीम ऑफ कॉग्नेटिव साइकोलॉजिस्ट एट द यूनिवर्सिटी ऑफ शिकागो यानी कि शिकागो यूनिवर्सिटी में कागनेटिव साइको की एक टीम ने 1956 में इसको सबसे पहली बार पब्लिश किया इट इज नेम्ड आफ्टर कमिटीज़ चेयरमैन बेंजामिन ब्लूम यानी कि उस कमेटी के जो चेयरमैन थे बेंजामिन ब्लूम साहब उनके नाम पर इसका नाम रखा गया ब्लूम्स एक्सट्रोनॉमी फिर ओरिजिनल टेक्सोनॉमी वॉज ऑर्गेनाइज इंट टू थ्री डोमेंस कॉग्नेटिव इफेक्टिव एंड साइकोमोटर जो कि मूल रूप में वर्गी की थी उसको तीन प्रकार के आयामों में बांटा गया था आ, कौन कौन सी कॉग्नेटिव यानी संज्ञानात्मक इफेक्टिव मीन्स भावात्मक और साइकोमोटर मीन्स मनोगत्यात्मक इन तीनों में यहीं पर अंतर समझ लीजिए कॉग्नेटिव का मतलब है कि हम जब संज्ञान से संबंधित चीज़ों के बारे में पढ़ेंगे यानी कि हमारे ब्रेन के अंदर क्या चल रहा है प्रोसेसिंग क्या हो रही है इफेक्टिव का मतलब होता है भावात्मक भावात्मक का मतलब कि हम उसको कैसे महसूस कर रहे हैं कैसे ग्रहण कर रहे हैं और साइको मोटर का मतलब होता है कि हम हम समझ गए भाव भी आ गया हमारे अंदर अब हम उसको कैसे करेंगे यानी कि जब मोटर एक्टिविटी मोटर का मतलब मोटर का मतलब क्रियाशील गति गति का मतलब जो चल रहा है वो हाथ पैर की क्रिया हो सकती है जैसे चित्रकारी जैसे कोई भी कोई स्किल्स जिसमें जिसमें कि हमको कुछ करना पड़ता है ठीक है तो काग्नेटिव इफेक्टिव और साइकोमोटर ये तीन लेवल के बारे में बात की गई जिसमें से कि कागनेटिव पे ज़्यादा फोकस किया गया एजुकेटर्स हैव प्राइमेली फोकस्ड ऑन दी काग्नेटिव मॉडल विच इंक्लूड्स सिक्स डिफरेंट क्लासीफिकेशन लेवल्स यानी कि शुरू शुरू में जो एजुकेटर्स थे उन्होंने काग्नेटिव मॉडल पर बहुत ज़्यादा फोकस किया और हमको बताया कि इसमें छः जो हैं डिफरेंट तरीके के क्लासीफिकेशन लेवल हैं कौन कौन से नॉलेज कॉम्प्रिहेंशन एप्लीकेशन एनालिसिस सिंथेसिस और इवेल्युएशन इसको इसी क्रम में हमको याद करना पड़ेगा क्योंकि एक वर्गी, की है. वर्गी की, मतलब कि हम उसको ऊपर नीचे नहीं कर सकते सबसे पहले ज्ञान बोध प्रयोग विश्लेषण संश्लेषण और मूल्यांकन इसको इसी तरीके से याद करना है द ग्रुप सॉट टू डिज़ाइन अ लॉजिकल फ्रेमवर्क फॉर टीचिंग एंड लर्निंग गोल्स दैट वुड हेल्प रिसर्चर्स एंड एजुकेटर्स अंडरस्टैंड द फंडामेंटल वेज इन विच पीपल एक्वायर एंड डेवलप नॉलेज स्किल्स एंड अंडरस्टैंडिंग्स ठीक है आगे क्या है देयर इनिशियल इंटेंशन वॉज टू हेल्प एकेडमिक्स एवॉय डुप्लीकेटिव और रिडंडेंट एफर्ट्स इन डेवलपिंग डिफरेंट टेस्ट्स टू मेजर द सेम एजुकेशनल ऑब्जेक्टिव अच्छा ठीक तो ये कह रहे हैं कि जो इसका पहला इंटेंशन था यानी किस हिसाब से ये बनाया गया कि हेल्प कर सके किसको एकेडमिक्स को शिक्षा को शिक्षा के क्षेत्र को कि जिससे हमको डुप्लीकेटिव एफर्ट्स मतलब बार बार हमको दोहराने नहीं पड़े अपने प्रयास जिसमें कि हमको ये तय करना हो कि हमको शैक्षिक उद्देश्यों के का अगर आकलन करना हो शैक्षिक उद्देश्यों का मापन करना हो शैक्षिक उद्देश्यों के मापन से क्या तात्पर्य है कि हम आपको कुछ पढ़ाने जा रहे हैं आज हम आपको ब्रूम्स टेक्सोनॉमिक पढ़ाने आए हैं तो हमारा लर्निंग ऑब्जेक्टिव क्या है ये है कि हम दी स्टूडेंट विल बी एबल टू अंडरस्टैंड दी ब्लूम्स टेक्सोनॉमी यानी कि हम ये मानकर चले हैं कि इस पार्ट को पढ़ने के बाद जो विद्यार्थी हैं मेरे वो ब्लूम्स टेक्सोनॉमी को समझ जाएंगे और हो सकता है कि छात्र ये समझ जाएंगे कि ओरिजिनल टेक्सनॉमी क्या थी ये समझ जाएंगे कि रिवाइज क्या थी ये समझ जाएंगे दोनों में अंतर क्या है यानी कि हर आ, कुछ भी पढ़ाने से पहले उसके लर्निंग ऑब्जेक्टिव्स निर्धारित करने पड़ते हैं उसी तरह से एजुकेशनल ऑब्जेक्टिव्स की आप क्या उद्देश्य है ये पढ़ने पढ़ाने का और आपने कितना उसको ग्रहण किया कितना प्राप्य किया ठीक है अच्छा और ये बता रहे हैं कि जो पहली बार पब्लिश हुई उस किताब का नाम क्या था टेक्सोनॉमी ऑफ एजुकेशनल ऑब्जेक्टिव्स दी क्लासिफिकेशन ऑफ एजुकेशनल गोल्स इस किताब के तहत ये हैंडबुक वन कॉग्निटिव डोमेन ये पहली बार पब्लिश हुई क्या टेक्सोनॉमी कौन सी ओरिजिनल ठीक है अच्छा फिर कह रहे हैं कि सम यूजर्स ऑफ द दिनी प्लेस मोर ऑन द इम्फेस नेचर ऑफ द फ्रेमवर्क एसर्टिंग दैट द फर्स्ट थ्री एलिमेंट्स यानी कि हमको बताया गया विद्वानों ने मनोवि सॉरी साइकोलॉजिस्ट जो इस पर काम कर रहे थे कॉग्नेटिव साइकोलॉजिस्ट कि जो पहले तीन लेवल छह है, हैं ना नॉलेज कॉम्प्रीहशन एप्लीकेशन एनालिसिस सिंथेसिस इंथेसिसन तो उसमें कह रहे हैं जो पहले तीन है वो लोअर लेवल के हैं और जो ऊपर के तीन हैं वो हायर लेवल के हैं क्या हायर लेवल के हायर ऑर्डर स्किल्स थिंकिंग यानी कि निम्नतम स्तर का सोचना है और उच्चतम स्तर का सोचना है तो उस हिसाब से निम्नतम कौन सा हुआ ज्ञान और उच्चतम कौन सा हुआ मूल्यांकन जबकि हम लोग ज्ञान को ही मानते हैं कि हम बड़े ज्ञानी हैं तो बड़े खुश हो जाते हैं लेकिन ये नहीं समझते हैं कि ब्लूम्स के हिसाब से अभी हम लोग लोएस्ट ऑर्डर पे हैं ठीक है अच्छा फॉर दिस रीजन द टेक्सोनॉमी इज ऑफ एन ग्राफिकली रिप्रजेंटेड एज ए पिरामिड विद हायर ऑर्डर कॉग्निशन एट टॉप ठीक बात समझ में आ गई वाईल ब्लूम्स टेक्सोनॉमी इनिशियली रिसीव लिटिल फैन फेर ये कह रहे हैं कि शुरुआत में जब ब्लूम्स टेक्सोनॉमी पब्लिश हुई तो इसके में बहुत ज़्यादा लोगों ने ध्यान नहीं दिया और इसकी फैन फॉलोइंग यानी मानने वालों की संख्या बहुत कम थी लेकिन धीरे धीरे बढ़ते बढ़ते अब लगभग हर विश्व का हर विद्यार्थी जो एजुकेशन से पढ़ता पढ़ता है पढ़ता पढ़ाता है चाहे अंडर ग्रेजुएट या पोस्ट ग्रेजुएट लेवल में वो ब्लूम्स एक्सोनॉमी ज़रूर पढ़ता है इसीलिए बहुत सारी भाषाओं में इसका अनुवाद भी हुआ है अब हम लोग आ जाते हैं रिवाइज एक्सोनॉमी पे रिवाइज हो गई है कब 2001 में और की किसने लॉरिन एंडरसन एक स्टूडेंट थे ब्लूम के और एक डेविड रेथहोल साहब जो कि कलीग थे इनके और इन्होंने पुरानी जो टीम उन्नीस में जिसने ओरिजिनल ब्लूम्स टेक्सोनॉमी बनाई थी उसके ये सदस्य भी थे और फिर इन्होंने 2001 हजार एक में बदलकर इसको रिवाइज एक्सोनॉमी का नाम दे दिया ठीक है सॉरी no. mm. अब जो ये पब्लिश हुई उसका नाम था ए टेक्सोनॉमी फॉर लर्निंग टीचिंग एंड एसेसिंग ए रिविजन ऑफ ब्लूम्स एक्सोनॉमी ऑफ एजुकेशनल ऑब्जेक्टिव ठीक है यानी कि ऐसी वर्गी की जो हमको बताएगी किसके लिए है जो सीखने पढ़ाने और आकलन के लिए है ठीक है एज इट इज़ कॉमनली कॉल्ड बस इतना ठीक है अच्छा हाँ एक और ख़ास बात बताने की कि जो ये ओरिजिनल टेक्सोनॉमी है इसमें जो नॉलेज कॉम्पिटेंशन ये जो इन्होंने लेवल बताएं वो नाउंस हैं जबकि रिवाइज टेक्सोनॉमी में बदल के इन्होंने कर दिया है वर्ब और एक चेंज बस किया है की नॉलेज को इन्होंने रिमेंबरिंग कर दिया है कॉम्प्रीहेंशन को अंडरस्टैंडिंग कर दिया बाकी सबके नाम वैसे ही एप्लीकेशन को अप्लाइंग एनालिसिस को एनालाइजिंग सिंथेसिस का नाम बदल के इन्होंने क्रिएशन कर दिया और उसको क्रिएटिंग और इवेलुएशन को इवेलुएटिंग कर दिया है और लास्ट में जाकर इन्होंने सीक्वेंस बस चेंज कर दिया यानी कि हमारा जो ओरिजिनल टेक्सोनॉमी के हिसाब से टॉप मोस्ट क्या है इवेलुएशन तो यहाँ क्या होना चाहिए था इवेलुएटिंग लेकिन इवेलुएटिंग ना होकर ये कह रहे हैं कि क्रिएटिंग ये कौन मतलब कि ये तुम्हारे एंडोर्स लॉरिन एंडरसन और डेविड रेत और उनकी टीम ये कह रही है कि नहीं जो नॉलेज का सॉरी कॉग्निशन का उच्चतम हाइएस्ट जो लेवल है वो क्रिएशन है ना कि इवेलुएशन है ठीक है अच्छा फिर हम बात कर लेते हैं थोड़ी सी कहाँ ये देखिए ब्लूम साहब की आप फोटो भी देख लीजिए पहचान लीजिए इनको ताकि कभी कभी ये भी पूछ लेंगे कि ये कौन है या कभी देखें आप तो आप इनको जान जाएंगे हम इनके बारे में पढ़ते हैं यहाँ यही पुरानी बात है हम आपको इसमें फिगर है इसलिए आपको ये दिखा रहे हैं दूसरी स्लाइड सॉरी आप फिगर देख लीजिए तो आपको समझ हम्म एक मिनट जो हमने आपसे बात की है कागनेटिव इफेक्टिव और साइकोमोटर मैंने आपको बता दिया काग्नेटिव क्या है नॉलेज बेस्ड डोमेन है एफेक्टिव क्या है भाव भाव मतलब एटीट्यूडिनल बेस्ड डोमेन है हम कैसा एटीट्यूड रखते हैं किसी भी कंसेप्ट के लिए जो कागनेटिव डोमेन है कंसिस्टिंग ऑफ सिक्स लेवल्स हमने पढ़ लिया है एफेक्टिव हम आगे पढ़ेंगे वो पाँच लेवल का ही है और साइकोमोटर जो कि स्किल बेस्ड डोमेन है वो फिर कितने लेवल का है छः लेवल का है ठीक है अच्छा ये देखो ये बता रहे हैं रिवाइज ब्लूम्स टेक्सोनॉमी को शॉर्ट शौर, में आर बी टी भी कहते हैं आर रिवाइज ब्लूम्स टैक्सोनॉमी और ये कह रहे हैं ये देखिए आप इसको देखिए तो आपको समझ में आएगा कि एक है ओल्ड वर्जन और लेफ्ट हैंड साइड में और राइट हैंड साइड में न्यू वर्जन है ओल्ड वर्जन में देखिए पिरामिड आकार बनाए इन्होंने यानी कि नीचे से ऊपर जाते वक्त हम निम्न से उच्च स्तर की ओर जा रहे हैं यानी कि लोअर से हायर ऑर्डर थिंकिंग की तरफ जा रहे हैं तो नॉलेज कॉम्प्रीहेंशन एप्लीकेशन एप्लीकेशन एनालिसिस सिंथेसिस एनालिसिसलुएशन ये ओल्ड वर्जन है और जो न्यू वर्जन है उसमें नॉलेज को रिमेंबरिंग कर दिया कॉम्प्रीहेंशन को अंडरस्टैंडिंग कर दिया बाकी एप्लीकेशन अप्लाइंग ही है एनालिसिस एनालाइजिंग ही है और इवेलुएशन को नीचे ला के और सिंथेसिस को ऊपर ले जाके क्रिएटिंग बस इतना सा आपको याद रखना है एक और बात याद ध्यान देने की है कि जो ये रिमेंबरिंग अंडरस्टैंडिंग है इसको इन्होंने बताया भी है कि रिमेंबरिंग का मतलब क्या क्या आप क्या हासिल कर पाएंगे तो ये कहा जाएगा कि आपने रिमेंबरिंग लेवल की थिंकिंग uh, को आपने अचीव कर लिया यानी कि हम जो भी डेटा होगा कंसेप्ट होगा उसको रिट्रीव कर पाएँ कंप्यूटर की भाषा में रिकॉग्नाइज कर पाएँ यानी पहचान पाएं रिकॉल कर पाएँ यानी कि पुनः याद आ जाए हमको किससे लॉन्ग टर्म मेमोरी से अगर हम ये सब कर पा रहे हैं तो कहा जाएगा कि हम रिमेंबरिंग लेवल पर अंडरस्टैंडिंग का मतलब कि हमें हम समझ है समझ का क्या मतलब है समझने को तो हम लोग बहुत कुछ समझते हैं कि हम ये समझ गए हैं लेकिन समझते कुछ नहीं है जैसे कि ओरल, रिटर्न और ग्राफिक यानी कि हमको अगर डेटा हमारा मौखिक मिले या लिखित मिले या हमको चित्र के रूप में मिले ग्राफ के रूप में मिले जैसा कोई डेटा या मैसेज मिले उसको हम क्या कर पाएँ इंटरप्रेट कर पाएँ यानी कि उसको हम अपने शब्दों में लिख पाएं क्लासीफाइंग यानी वर्गीकरण कर पाएं समराइजिंग यानी सारांश उसका लिख पाएं इन्फरिंग यानी कि उससे कुछ हम निष्कर्ष निकाल पाएँ कंपेयरिंग यानी कि तुलना कर पाएं और एक्सप्लेन यानी कि समझ पाएं समझा पाएं तब कहा जाएगा कि हम अंडरस्टैंडिंग लेवल पर पहुँच गए हैं अप्लाइंग का मतलब हम प्रयोग कर पाएं एनालाइजिंग का मतलब होता है कि विश्लेषण का मतलब कि किसी बड़े कंसेप्ट को छोटे छोटे में तोड़ देना या किसी बड़ा चैप्टर है उसके बहुत सारे पार्ट्स हैं कोई कंसेप्ट है उसके बहुत सारे सब कंसेप्ट हैं उसके भी सब कंसेप्ट हैं उसके भी सब कंसेप्ट हैं या टाइटल का सब टाइटल सब टाइटल का उससे भी छोटा टाइटल तो हम उसको विश्लेषण का मतलब छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ना होता है और संश्लेषण का मतलब फिर उसको छोटे छोटे टुकड़ों से बनाकर एक साकार रूप दे देना और सम इज लार्जर या ग्रेटर देन जो पार्ट्स का मतलब कि दो प्लस दो बराबर चार ही नहीं होता है दो प्लस दो का मतलब ये ऐसा कुछ जिसका कोई एक अर्थ भी निकल रहा है यानी कि बस तोड़ कर जोड़ देना है साकार सार्थक अर्थ में जोड़ना ये इवेल्युएटिंग है ठीक है और क्रिएटिंग का मतलब ये कह रहे हैं पुटिंग एलिमेंट्स टुगेदर टू फॉर्म ए कोहेरेंट और फंक्शनल होल वही बोल रही है ना रिकॉग्नाइजिंग एलिमेंट्स इन टू ए न्यू पैटर्न और स्ट्रक्चर थ्रू जनरेटिंग प्लानिंग और प्रोड्यूसिंग यानी कि हम उसको कुछ ऐसा जोड़ दें जो एक सार्थक रूप में जुड़ जाए तो वो क्रिएटिंग है और इसी के लिए इन्होंने सबसे उसको हाइएस्ट ऑर्डर पर रखा है अच्छा देखो ब्लूम्स एक्सट्रॉमी का यहाँ एक आपको एक बहुत बढ़िया चीज़ मिल रही है देखने के लिए और आप इसको हमेशा याद रखिए और बहुत सारी बुक्स में ये अभी भी नहीं मिलता है हम जनरली कॉग्निटिव प्रोसेस डोम डायमेंशन को पढ़ते हैं दे रिमेंबर अंडरस्टैंड अप्लाई एनालाइज एनालाइज इवेलुएटर क्रिएट और जो नॉलेज का डायमेंशन है वो जनरली बुक्स में मिसिंग रहता है कि ये जो ज्ञान का आयाम है इसको भी हम चार भाग एणलाग में बांट सकते हैं फैक्चुअल कंसेपचुअल प्रोसीजरल और मेटा कॉग्नेटिव इसमें भी बढ़ता हुआ क्रम है यानी फैक्चुअल नॉलेज लोएस्ट लेवल की नॉलेज है और मेटा कॉग्नेटिव नॉलेज हाइएस्ट लेवल की नॉलेज है फैक्चुअल नॉलेज का मतलब हमको सिर्फ तथ्यों का ज्ञान है कंसेप्चुअल नॉलेज का मतलब हम कंसेप्ट भी समझ गए हैं प्रोसीजरल नॉलेज का मतलब हम क्रिया विधि भी, भी समझ गए हैं और मेटा कॉग्निशन का मतलब होता है थिंकिंग जैसे मेटा थिंकिंग कहा जाएगा तो कहा जाएगा थिंकिंग अबाउट थिंकिंग मेटा कॉग्निशन का मतलब थिंकिंग अबाउट कॉग्निशन यानी कि हम उसको सोच भी पा रहे हैं मन में तब जाकर हमारी ये हाइएस्ट लेवल की नॉलेज अचीव होती है तो इन्होंने यहाँ पर एक्शन वर्ब आपको देख रक, दे रखा आप इससे समझ सकते हैं कि <coughs> ब्लूम्स डक्सट्रोमी में अगर कॉग्निटिव प्रोसेस डायमेंशन में हम रिमेंबर लेवल पे हैं और नॉलेज डायमेंशन में फैक्चुअल नॉलेज लेवल पे हैं तो हम क्या कर पाएंगे हम मतलब स्टूडेंट एज अ स्टूडेंट क्या कर पाएगा अगर हम लिस्ट आउट कर पा रहे हैं चीज़ों को इसका मतलब कि हमने सिर्फ नॉलेज डायमेंशन के लोएस्ट और कॉग्निटिव प्रोसेस के लोएस्ट डायमेंशन लोएस्ट लेवल पर हैं लिस्ट आउट करने का मतलब कि आप सब जानते हैं कि द्रव्य जो है तीन अवस्थाओं में पाया जाता है ठोस द्रव और गैस यानी कि हम आपको दूध है पानी है तेल है बालू है मिट्टी है सोना है ईटा है पत्थर है इस हवा है इस तरीके की चीज़ें दे दी और आपसे कहा गया कि इसको आप बताइए कि कौन द्रव है कौन ठोस है कौन गैस है तो हम लिस्ट आउट कर पाएंगे ना लिस्ट कर देंगे कि ये ये चीजें द्रव है ये ये सब ठोस और ये सारी गैसें तो हम इतना कुछ अगर कर पा रहे हैं तब भी हम लोएस्ट लेवल पे हैं यानी कि रिमेंबर में ही यानी कि हम याद करने आ, की स्टेज पे ही हैं लेकिन अगर हम कंसेप्चुअल नॉलेज तक पहुंच गए तो हम चीज़ों को डिस्क्राइब भी कर पाएंगे अगर हम प्रोसीजरल नॉलेज पे पहुंच गए तो हम टेब्यूलेट कर पाएंगे और अगर हम मेटाकॉग्नेटिव नॉलेज पे पहुंच गए तो हम अप्रोप्रिएट यूज़ भी कर सकते हैं उसका इसी तरह से देखिए अंडरस्टैंड में अगर फैक्चुअल नॉलेज पर हैं तो हम समराइज़ कर सकते हैं कंसेप्चुअल पे हैं तो इंटरप्रेट कर पाएंगे प्रोसीजरल पे हैं तो प्रेडिक्ट कर पाएंगे और मेटाकॉग्नेटिव पे हैं तो एग्जीक्यूट कर पाएंगे ठीक इसी तरह से आ, एक अगर रो में देखें तो फैक्चुअल नॉलेज में अगर रिमेंबर पे हैं तो लिस्ट कर पाएंगे अंडरस्टैंडिंग पर हैं तो समराइज़ कर पाएंगे अप्लाई पे पहुंच गए तो क्लासिफाई भी कर सकते हैं एनालाइज में हम ऑर्डर यानी वर्गीकृत कर पाएंगे उसको श्रेणीकृत कर पाएंगे इवेलुएट में है तो उसको रैंक दे पाएंगे और क्रिएट में है तो कंबाइन कर पाएंगे तो ये आपके समझने के लिए एक बहुत अच्छी चीज़ है ठीक है तो एक हम छोटा सा रिकैप करते हैं कि कहाँ से हमने शुरू किया सॉरी हमने शुरू किया ब्लूम्स ट्रोनॉमी से हमारे ह्यूमन कॉग्निशन के तीन लेवल थिंकिंग लर्निंग और अंडरस्टैंडिंग के लिए है इसमें डिस्टिंग्विश डिफरेंशिएट करने के लिए किसने दी ब्लूम्स ने दी कब दी उन्नीस सौ छप्पन में दी कितने आयाम बताए नॉलेज एफेक्टिव और साइकोमोटर तीन बताए नॉलेज में कितने लेवल बताए छः सॉरी काग्निशन कॉग्निटिव इफेक्टिव और साइकोमोटर और कॉग्निशन में छः लेवल है नॉलेज कॉम्प्रिहेंशन एप्लीकेशन एनालिसिस एवल और फिर 2001 में उनके सहयोगी और शिष्यों ने मिलकर इसको बदल दिया आर बी टी रिवाइज लूम्स टेक्नॉमी का नाम दिया कब दिया 2001 में दिया इसमें इन्होंने क्या किया नाउन से वर्ब कर दिया फिर रिमेंबर को क्या नाम दिया सॉरी uh, नॉलेज को क्या नाम दिया रिमेंबरिंग दिया अंडरस्टैंड को अंडरस्टैंड को सॉरी कॉम्प्रिहेंशन को क्या नाम दिया अंडरस्टैंडिंग दिया बाकी एप्लीकेशन को अप्लाइंग दिया एनालिसिस को एनालाइजिंग दिया सिंथिस uh, को क्रिएशन दे दिया और इवेलुएशन को इवेल्युएटिंग दिया और क्रम लास्ट में जाकर सिर्फ लास्ट दो का बदल दिया है ठीक उसके बाद हमने ये भी जाना ये आपका पिरामिड दोनों में अंतर फिर हमने ये भी जाना कि रिमेंबरिंग अंडरस्टैंडिंग अप्लाइंग एनालाइजिंग ईवेल्यूटिंग क्रिएटिंग में हम क्या क्या कर सकने की वो रखते हैं सामर्थ्य है। और फिर उसके बाद ब्लूम्स स्टेक्सोनॉमी को हम सिर्फ कॉग्निटिव प्रोसेस डायमेंशन के लेवल से ना देखें हम नॉलेज डायमेंशन के हिसाब से भी देखें तो वहाँ पर भी चार वर्ग वर्गीकृत चार इसकी श्रेणियाँ मिलते हैं फैक्चुअल नॉलेज कंसेपचुअल नॉलेज प्रोसीजरल नॉलेज और मेटाकॉलेज नॉलेज और इधर तो जो है वो है ही और इसमें सबकी आपको एक्शन वर्ब भी दी गई है ठीक है तो इतना पहले पढ़िए समझिए जो नहीं समझ में आया वो पूछिए याद करिए तब आगे बढ़ेंगे और जो याद करिए तो ऐसा याद करिए कि हमेशा याद रहे तब तो किसी काम का है ये पढ़ना ठीक चलिए